हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बालकनी गार्डन। आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन में सेंसवेरिया के पौधे के बारे में बता रही हूँ। सेंसवेरिया का पौधा बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है और इसकी देखभाल बहुत ही आसान है। इसकी बहुत सी वैरायटी होती है और इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है। इधर लॉकडाउन में मैंने ये तीन पौधों से इतने सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। लॉकडाउन में गमले ना मिलने की वजह से मैंने इसको प्लास्टिक के पौधों में लगा दिया था। आज मैं इसको रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ। इसके गमलों में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत जब इसकी मिट्टी एकदम सूख जाए, ये आप देख सकते हैं, अब इसकी मिट्टी एकदम सूख गई है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। ज़्यादा पानी इनको पसंद नहीं है। ज़्यादा पानी डालने से पौधा ख़राब हो जाता है, ये पत्तियाँ गल सी जाती हैं और इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। सर्दियों में तो इसमें पानी मैं तो बहुत ही कम देती हूँ, महीने में एक बार। इस प्लांट को रिपोर्टिंग पसंद नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में भी इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। पौधों के ये देखिए टिप्स जो होते हैं, ये गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। इसको इंडोर भी रखते हैं। यह प्लांट बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। इसकी पत्तियाँ बहुत मजबूत लंबी चौड़ी होती हैं। ये भी एक स्नेक प्लांट की ही वैरायटी है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं पर इसमें इसको रिपोर्ट किया है अभी, इसलिए थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ डाउन हो गई हैं और ये बहुत जल्दी ही ये कवर कर लेते हैं। ये हर माहौल में ढल जाने वाले इसकी आदत होती है और इसमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता के कारण इसे हाउस प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। स्नेक प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत और हवा की गुणवत्ता को सुधारने का भी बहुत अच्छा काम करता है। ये घर के अंदर की वायु यानी इंडोर एयर को फिल्टर करने में बहुत मदद करता है। यह रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकता है। बेडरूम की सजावट के लिए ये एक आदर्श पौधा माना जाता है। इसकी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए डायरेक्ट धूप भी अच्छी नहीं होती है। इसको शेड में रखने से बहुत अच्छा बनता है। अब आपको मैं अपना ये पौधा रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ।